आज जो हम गुजिया बनाने जा रहे हैं, इसमें ना तो हमें गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें मावा चाहिए और ना ही हमें चाशनी चाहिए। बिना मैदा, बिना सूजी के आज हम चॉकलेटी गुजिया बनाएंगे। बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतनी टेस्टी कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। ट्रेडिशनल गुजिया तो हम सभी बनाते हैं, तो क्यों ना आज हम बच्चों के लिए कुछ नया बनाएं। तो चलिए बिना देर किए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 पैकेट ओरियो बिस्किट, और बिस्किट के अंदर जो क्रीम होती है उसको हम अलग निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट की क्रीम निकाल कर बिस्किट को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हम इसमें नाश्ते वाली चम्मच से 6 से 7 चम्मच नारियल का बुरादा मिलाएंगे। नाश्ते वाली चम्मच से ही 6 चम्मच हम यहाँ पर मिल्क पाउडर मिलाएंगे, 2 चम्मच चीनी, और सारे सामान को अच्छे से पीस लेंगे। बिस्किट और मिल्क पाउडर दोनों ही चीजें मीठी होती हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच शक्कर मिलाई है। अब हम पिसे हुए पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर बिना बेकिंग पाउडर और बिना मीठा सोडा के नान खटाई बिस्किट बनाना बताए थे, एक बार जरूर ट्राई करके देखें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब हम क्या करेंगे, नाश्ते वाली चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पिसे हुए पाउडर का डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूरियां बनाने के लिए डो लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर डो लगाकर तैयार करेंगे। बहुत जल्दी ये आटा गीला भी हो जाता है, और यदि थोड़ा सा गीला भी हो जाए तो आप इसमें बिस्किट का पाउडर या फिर मिल्क पाउडर मिलाकर इसे फिर से सेट कर लें। ये देखिए इस तरीके से टाइट आटा गूंथकर हमें तैयार करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गुजिया के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी हम यहाँ पर स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 5 से 6 चम्मच नारियल का बुरादा, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी मिला दी है। अब हम इसमें 1 चम्मच मलाई मिला देते हैं, जिससे ये सारा सामान अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जितने स्टफिंग यहाँ पर हमने बनाई है, इतने में 8 से 10 गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए सारे सामान को यहाँ पर हमने अच्छे से मिला दिया है और एकदम बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, गुजिया के लिए पापड़ी तैयार करना है। तो पापड़ी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर पॉलीथीन चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मोटी वाली पॉलीथीन ले ली है। ज्वार के पापड़ या फिर चावल के पापड़ बनाने के लिए जैसी पॉलीथीन का हम यूज करते हैं, वैसे ही पन्नी यहाँ पर मैंने ले ली है। और पन्नी के ऊपर देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। सांचे में भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, जिससे गुजिया आसानी से निकल जाएगी। अभी हमने जो आटा लगाकर तैयार किया था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। यदि आपको ऐसा लगे कि आटा हल्का सा हाथ में चिपक रहा है, तो आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें। और ये देखिए इस तरीके से हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम तैयार लोई को पन्नी के ऊपर रखेंगे, हाथ से थोड़ा सा चपटा कर देंगे, और दूसरी तरफ से हम पन्नी को फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से गुजिया की पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया पापड़ी बनकर तैयार हो रही है, और इसके किनारे भी नहीं फटी है। इसका मतलब है हमने जो डो लगाया है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम तैयार पापड़ी को पन्नी में से निकाल लेंगे, और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई है। सांचे में हमने पहले से ही घी लगा के तैयार कर लिया था, तो ये देखिए इस तरीके से हम पापड़ी को सांचे के ऊपर रख देंगे। अब हम नाश्ते वाली चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना, बस आप डो लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, नाश्ते वाली चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, और यदि थोड़ा सा गीला भी हो जाए तो आप उसमें मिल्क पाउडर मिला लें या फिर बिस्किट पाउडर मिला लें। अब हम सांचे को बंद करके हल्के हाथों से दबा देंगे, और किनारों से जो पापड़ी बाहर आ रही है उसको हम निकाल लेंगे, और निकले हुए आटे को हम दूसरी लोई में मिला देंगे। और ये देखिए तैयार है बिना गैस जलाए चॉकलेटी गुजिया। जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। अब हम गुजिया को सांचे में से निकालकर प्लेट में रख देंगे, और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई है। और इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। जितना सामान हमने लिया है, इतने में 8 से 10 गुजिया आराम से बनकर तैयार हो जाती है। गुजिया की पापड़ी बनाते समय ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा पतली पापड़ी ना बेले। गार्निशिंग के लिए हम गुजिया पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे, और गुजिया को 1 से 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे बाद मैंने गुजिया को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और ये देखिए गुजिया बहुत अच्छे से सेट हो गई है। बनने के बाद में गुजिया को फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करने से इसकी पापड़ी जो है वो टाइट हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए एक गुजिया में आपको कट करके दिखाती हूँ।
चार से पाँच दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।